हेलो ऑल गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं एंजल, मेरे चैनल एंजल अरला सिंह में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज है 15 अगस्त। जैसे कि पता है आप लोगों को, आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, स्वतंत्रता दिवस है। और सभी को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो गाइज, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं अभी उठी हूँ, तो देख सकते हैं मुँह पीछे बकुलोल जैसा दिख रहा है। तो गाइज, मैं अभी यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे मैं बनाने वाली हूँ आज मटर की छोले, मटर आलू की, और कचौड़ी बनाने वाली हूँ। और होगा तो रात में खीर बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। तो देख सकते हैं, इधर मैं कुकर में रखती हूँ यहाँ पे आलू मटर को बॉयल होने के लिए। अगर मैं ओनियन वगैरह सब मैं कट कर रखी हूँ, पूरा एकदम प्रिपरेशन कर रखी हूँ छोले बनाने के लिए। अरे तो मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाने वाला है, अभी बस क्या है फ्रेश है, आएगा उसके ड्यूटी चला जाएगा और उसका सवेरे ही ड्यूटी है, खाना खा के नहीं जाएगा। गाइस, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे अब छोले बनाऊंगी थोड़ा सा। अब तब तक देख सकते हैं मैं बैठी हुई हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया उठने में, मैं थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था और इसीलिए थोड़ा उठने में मुझे लेट हो गया, मन नहीं था उठने का। फिर भी अब ड्यूटी इनके जाना था तो उठना पड़ा। मैं नहीं उठूँगी तो ये भी सोए रह जाएंगे, तो इनको उठाई, फिर उनको बोली कि जाओ फ्रेश व्रेश हो जाओ, तो मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ भाई। तो वैसे तो मैं ब्लॉग ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, बट मैं सोचती हूँ फोकस करूँ ब्लॉगिंग पे। और मेरा इधर का पूरा मुँह सूज रखा है, देख ही सकते हैं आप लोगों को। जैसे कि पता, मुझे आइस फ्लो हो रखा था, इसीलिए पूरा इधर का पूरा इस ये वाला पार्ट जो है ना फुला हुआ है, देख सकते हैं। अब अभी उठी हूँ, फ्रेश व्रेश होके आ चुकी हूँ और अभी रूम वूम वगैरह मैं क्लीनिंग नहीं की हूँ, पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद रूम की डस्टिंग वास्टिंग बाद में करूँगी, अभी नहीं करूँगी। तो गाइज, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, जो जैसा होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गाइज, यहाँ पे मैं मटर आलू बॉयल कर चुकी हूँ, देख सकते हैं। मेरे को थोड़ा सा ही सब्जी बनाना है, दो आदमी के लिए मैं ज़्यादा क्यों बनाऊँगी, देख सकते हैं। थोड़ा सा ही सब्जी मैं ले रखी हूँ यहाँ पे, और अभी यहाँ पे कुकर डाल रखी हूँ, अभी इसमें ऑयल वगैरह ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने फोरन वगैरह ऐड कर रखा है, ये जीरा जो बोलते हैं उसको, तेज पत्ता, लाल मिर्च एंड ओनियन वगैरह सब डाल के यहाँ पे इसको थोड़ा सा गलने के लिए छोड़ चुके हैं, इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे ओनियन वगैरह को। उसके बाद इस पर मसाला ऐड करेंगे, मसाला ऐड करने के बाद ये सब जो है ना मटर वगैरह सब ऐड करूँगी। तो चलिए, ब्लॉग में बनी रही है। तो गाइस देख सकते हैं, इसमें मसाला फ्राई हो चुका था मेरा। अभी आलू मसाला मैंने एक ही साथ डाल के फ्राई किया है रस के लिए, और इधर मैंने मटर जो बॉइल किया था वो ऐड कर दी हूँ, और इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और इसके बाद फ्राई करने के बाद इसमें पानी ऐड करूँगी। तो थोड़ा सा चलिए फ्राई होने देते हैं इसको, देख सकते हैं। मैं इसमें सारा मसाला टेस्ट के अकॉर्डिंग, जीरा, मरीच पाउडर, हल्दी, मिर्ची, धनिया और चिकन मीट गरम सब डाली हुई, इसमें थोड़ा चाट मसाला भी ऐड कर दी। छोला बना रही हूँ तो थोड़ा चाट मसाला भी ऐड कर दी ताकि चाट जैसा फ्लेवर भी आए। इसमें थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर दी हूँ। तो चलिए इसको फ्राई होने देते हैं अच्छा से थोड़ी देर तक, उसके बाद पानी ऐड करके सीटी लगा देंगे। मटर तो बॉयल है, ये ऐसे भी सीझा हुआ है, इसको ज़्यादा सीटी लगाने का जरूरत ही नहीं है। चलिए बनाते हैं, देख सकते हैं। मैंने इधर पानी ऐड कर दिया है सब्जी में, अब इसको एक ज़्यादा नहीं दो ही सीटी लगवाएंगे, क्योंकि मटर ऑलरेडी और आलू भी मेरा बॉयल है, तो ज़्यादा सीटी लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपना पानी इसमें ऐड कर दूँगी, अब इसको सीटी कर देते हैं, कुक कर देते हैं। चलिए, यहाँ मेरा सब्जी बन के रेडी है, देख सकते हैं। और यहाँ मैंने कढ़ाई डाल रखा है और इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी, अभी रिफाइन ऐड करूँगी। और इधर मैं कचौड़ी के लिए आटा भी गूंद रखी हूँ, देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, बना के मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे मेरा कचौड़ी भी बन चुका है और छोला भी बन चुका है मेरा। तो चलिए, मैं सबको डस्टिंग वगैरह करके तब फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ज़्यादा अमेजिंग बना है, देख सकते हैं गाइस, बहुत ही अमेजिंग बना है, डिलीशियस बना है। देखिए खाना में यही सब बना है, चलिए आप लोग खा लीजिए आप लोगों के लिए। चुकी हूँ बट बाल बाल नहीं बांधी हूँ, अभी नाश्ता करने के लिए बैठी हुई हूँ। चलिए नाश्ता वास्ता करके आपसे मिलते हैं। गाइस, अभी
अभी इवनिंग का टाइम है और मैं अभी मतलब काम वाम करके तब फ्री होके तब आपसे मतलब बात करने के लिए 2 मिनट बैठी हूँ। जैसे कि पता है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। मैं आज़ाद इस तरह से बना रही हूँ, सो के गाइस पता है मतलब मैं सारा काम वाम करके फ्री हो चुकी हूँ। मैं मॉर्निंग में ब्लॉग शूट कर रही थी, फिर आफ्टरनून में मैंने शूट नहीं कर पाया, वो आफ्टरनून में भी थोड़ा काम रहता है। अपने हस्बैंड आते हैं, उनके लिए चावल वगैरह बनाना पड़ता है, खाना वाना देना पड़ता है, खावा के चले जाते हैं, फिर बर्तन वगैरह झाड़ू वगैरह करना पड़ता है। तो देख ही सकते हैं उनको मैं 2-3 बार डस्ट करती हूँ क्योंकि नीचे सोना पड़ रहा है, इसलिए डस्टिंग अच्छा से नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा। और देख सकते हैं सारा फिर मतलब सारा काम वाम करके तब आपसे मिलती हूँ, क्योंकि वीडियो मुझे खुद शूट करना पड़ता है। मैं सारी चीज़ कैसे दिखा सकती हूँ, वीडियो एक हाथ में वीडियो लूँगी एक हाथ से काम करूँगी, इसलिए इम्पॉसिबल हो जाता है। सो गाड़ी गाइस मुझे माफ़ कर देना, मैं सारी चीज़ आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो अभी इवनिंग का टाइम है और मैं देख सकती हूँ देख रही हूँ, मुझे पता नहीं अचानक स्वप्न सपना आया भगवान कि वीडियो शूट करना चाहिए, मैं भी वीडियो शूट करने स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस पता है आप लोगों को एक बात, मैं क्या मतलब ब्लॉग में क्यों नहीं शूट कर पाती हूँ, पता नहीं मेरी वीडियोस व्यूज नहीं जाता है लॉन्ग वीडियो पे, इसलिए मेरा मन थोड़ा सा नहीं करता था कि मैं वीडियो बनाऊँ। यही सब रीज़न है कि मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं ला पाती हूँ आप लोगों के लिए। बट इधर तो मैं सबसे घर से आई हूँ, कोशिश की हूँ कि डेली मैं ब्लॉग आप लोगों साथ शेयर करूं ताकि आप लोग मुझे रोज़ ब्लॉग के थ्रू देख सकते हैं। मैं शॉर्ट्स तो रोज़ बनाती नहीं हूं बिकॉज मैं मतलब रोज़ रोज़ रेडी होके इम्पॉसिबल सा थोड़ा सा हो जाता है। तो गाइज चलिए ब्लॉग में बने रहिए, मैं नाइट तक आज ब्लॉग लेके जाने वाली हूं, ट्रस्ट मी। सो गाइज अभी नाइट का टाइम है, अभी नाइट में वही 9 बज रहा होगा। तो मैं नाइट के डिनर के लिए भी बैठी हुई हूँ, आटा यहाँ पे देख सकते हैं गूंद रखी हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं दिन वाला इतना सब्जी बचा हुआ है, इतना में हम दोनों का हो जाएगा, और इतना कचौड़ी भी बचा हुआ है मॉर्निंग वाला, तो भी थोड़ी रोटी बना देती हूँ, और आम भी है ये सब मिक्स करिए मैं खा लूँगी। तो चलिए मैं रोटी वोटी बना के आपसे मिलती हूँ।